बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। बिल्कुल फ्रेश सुबह और एक ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद जो रूटीन हुई वो आप सब फैमिलियों के साथ हम शेयर करेंगे। अल्लाह पाक खैर रखे, अपनी हिफ्ज व अमान में हमें भी रखे, आपको भी रखे। पानी, दवाई, नाश्ता करते हैं, उमेरा को दवाई देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। कड़ी खा लो, खा। और उमेरा ने अपने जैसे मोटे मोटे पराठे पकाए। नहीं जी, एक छोटा मैं आप पकाया, बाकी रोटियां देखो पतलियां पांच पईयां। हां, जबरदस्त छोटी जी। अच्छा जी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। नाश्ता करते हैं, पानी देके आए हूं बच्चे सवर लोगों को, और इधर ही बैठे हुए थे लेकिन मक्खियां भाई बैठने के देती हैं। हालांकि सुबह सुबह मेरा ने ये सारा फ्रेश धोया है। मैं सोचा था कि इधर ना इस वाले बरामदे में बैठेंगे, लेकिन मक्खियाँ हैं कि वो कहते हैं तुम कौन होते हो यहाँ बैठने वाले। हमारे घर आज खूबसूरत क्यूट क्यूट स्पेशल स्पेशल मेहमान आए हैं। तो स्पेशल मेहमान? हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, तो मेरे पात्र ने की खाना? नहीं, ये थोड़ी देर ठीक हो जाए फिर मैं ना कुछ ना काम करूं। मैं डब्बे जूस दे पी लूं। बस तू तो सस्ता पे रोने। फिर जूस ही आया तो गोश्त 2 किलो आलू। अच्छा हाँ, इस तरह सारे काली ना फिर शाम को वही हमारा जी खा लेंगे जे वो पाते ना ते 2 रुपए जूस ते बस। मैं चल ठीक, वो मैंने ना थैला दे तो कट के। अच्छा अच्छा जी, सामान लेके आए। हाय, हर सब्जी दी जान। गोश्त, मैं तो जान एक एक जेड़ा वो शांत रे आंदा ते उन्हें आखिया मेरे वास्ते चाचू 2 लेके आ। अच्छा आप करके दे। उन्हें डोल लेना ही। नीमको पापड़ जेड़े खांदे ना ये काम खराब कर दे। हौली हौली मेरा पति हो। बच्चों के लिए खाना बनाना है तो मेरा ने कहा कि जल्दी जल्दी ना आप सामान ले आए। तो मैं गाँव वाली शॉप पे गया था, भाई भी देख के हैरान रह गया था कि अली भाई आप धूप में आज कैसे, क्योंकि मैं ना मतलब गाँव में कम ही जाता हूँ। जो सामान वगैरह लाना होता है वो भाई पहुँचा जाता है। तो मैंने कहा कि इस टाइम उसके पास रश भी बहुत होना है, तो इस टाइम उसको डिस्टर्ब करना ना अच्छा नहीं। तो बच्चे आए हुए हैं तो मैं खुद ही जाके सामान ले आया। बच्चों के लिए जूस जो मेरा ने चिकन और आलू मंगवाए थे वो मेरा थी। चावल बना लगी है सालन? चल ठीक है। एसी चला के दिया था लेकिन नहीं जी, हमने बाहर जो है ना लेटना। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जा। उन्होंने ना छेड़े, चल रहे दे, खुला रहे दे मेरे पुत्र, आ जा आ जा आ जा। और बाजी स्नगर के पास जाए हैं
असर की अज़ान हमें वहीं हो गई थी, नमाज असर अदा करते हैं और उसके बाद कोई छोटा मोटा काम हुआ तो वो कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, लेकिन सबसे पहले नमाज असर अदा कर लें। पंखा भी नहीं चलाया, एसी भी नहीं चलाया, मैंने कहा पहले ना शाम को एक बारी जो है ना वो एसी चलाया। असर की नमाज़ अदा करने के बाद बाहर आया हूँ और मैंने कहा थोड़ी देर ना बैठ के, चलो एक तो जिस्म फ्रेश रहता है और दूसरा ये सफाई वाला जड़ी बूटियाँ जो थी ना थोड़ा थोड़ा करके मैं लगा रहता हूँ और इस तरह की जड़ी बूटियाँ जो ना इनको निकाल देते हैं। ये क्यारी भी मैंने आगे वाली साफ़ की थी, ये थोड़ी सी रहती है, पहले ये निकाल लो। जान नु सुकून तो है नहीं, इन्नी गर्मी है बाहर, हाँ सारा देखो ना किन्नी सोहनी जगह, ऐ भी दो चार बूटे ते ऐ भी दीवार ना दीवार ना मार दिया जे पांच मिनट बाद ते भेडू देखियो तिली हले उगी नहीं ते तुसी खाण आ जे तुसी उद नहीं नहीं हर फ्रूट दा टेस्ट लैंदे, खजूरां दा अनार दा अंबां दा, सारा थड़ा साफ हो गया परली साइड रह गई खाली, खाली कर लैनी सी ताकि खाद पा जांदे भिंडियां नूं तुसी आ कपड़े इसी कर लें दई नमाज पढ़ी, मैं कपड़े इसी कर लूँगा, चार पांच सूट पे फिर बहुते जमा हो जाए तो फिर मेरे को इन्नी देर खड़ी नहीं हो हुंदा, मैं तो बस ढेरी लाई जाओ। सूरज बस गुरूब होने ही वाला है और मैंने हिस्सा फ्रंट का सारा उधर तक कॉर्नर तक साफ किया है। ये जड़ी बूटी की ढेरियाँ जो हैं ये सुबह उठाऊँगा और ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, इंशाल्लाह इसके साथ अल्लाह पाक ख्याल रखे तो कल बात होगी। साफ़ सुथरा हो ना, फ्रंट हो या घर हो या ज़मीन हो, तो मतलब एक दिल मुतमईन सा रहता है। अगर हर तरफ जड़ी बूटियां हो, गंद ही गंद हो, तो फिर अजीब सा ना उलझन में मुबतला रहता है बंदे का जहन। तो हमारा रास्ता भी गंदा हुआ पड़ा है जब से मतलब गंदम संभाली है ना, तो रास्ता साफ़ नहीं किया, तो इसको साफ़ करने के लिए तो भाई हनीफ़ को मैंने कहा था कि तीन हमें दो तो टाइम निकाल के तो ये साफ़ कर दो, और बाकी ये जो फ्रंट है इसको मैं खुद करूँगा इंशाल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत सीन है सनसेट, माशाल्लाह। ये जो चारे का खेत है ना छोटा सा हिस्सा, ये भी एक अपनी ही खूबसूरती है इसकी, माशाल्लाह घर के सामने सर सब्ज़ शादाब, बड़ा खूबसूरत लगता है ये, आसमान पर गहरे बादल। हाँ जी मेरा शहजादा की करना आया सी, बाल्टी रखना आया सी, चलो शान बेटा लेके आया था बाल्टी पानी के लिए फिल्टर वाले, तो रख जाते हैं ना काके, फिर भाई मुनव्वर उठा के ले जाते हैं। अभी मैं भी अपने सारे टूल उठाता हूँ और घर गिरा लेता हूँ, कल इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर रखे तो फिर ये सारा जड़ी बूटियों का गंद भी उठाऊँगा, जो रहता है वो भी साफ़ करूँगा। भाई हनीफ़ रास्ता साफ़ कर लेंगे और मैं ये वाला जो है ना ये सारा साफ़ कर लूँगा।